अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शबनम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सांभर बनाने की रेसिपी। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, यहाँ पे मैंने सारी सब्ज़ी एक एक कप ली है, एक कप ड्रमस्टिक, बैगन मैंने इस स्लाइस में, इस क्यूब में कट किया है, एक मीडियम साइज़ की प्याज जिसे मैंने लंबे स्लाइस में कट किया है, कद्दू, ये भिंडी, एक कप अरहर की दाल जिसे मैंने फ्रेश वाटर से धो ली है, एक बड़े साइज़ की टमाटर जिसे मैंने इस स्लाइस में कट किया है, ये कुछ करी लीव्स है, हाफ टी स्पून हींग, हाफ टी स्पून काला सरसों, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 5 टेबल स्पून इमली का जूस, 2 टेबल स्पून होममेड सांभर मसाला, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं एक प्रेशर कुकर ले रही हूँ अरहर की दाल को बॉईल करने के लिए, गलाने के लिए। इसमें मैं सारी अरहर की दाल डाल देती हूँ। अब इसमें हम पानी डालेंगे, मैंने एक कप दाल ली है तो मैं 2 कप पानी डालूँगी। ये रही हमारी 2 कप। अब इसमें हम नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून और 1 पिंच हल्दी पाउडर। अब इसकी हम लिड कवर कर देते हैं। अब इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे। हमें नॉर्मल दाल से इसे ज़्यादा ओवर कुक करना है, तो हम इसमें 5 से 6 सीटी लगाने तक इसे पकाएंगे। ये देखिए हमारी 6 सीटी लग चुकी थी तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी। अब हम इसकी लिड खोल कर देखते हैं और ये देखिए हमारी दाल बिल्कुल गल चुकी है अच्छे से। मैं आपको स्पून से दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब हम सांभर रेडी करेंगे। इसके लिए मैं कढ़ाई में 5 टेबल स्पून ऑयल डाली हूँ और इसे मैं हीट कर लेती हूँ। हमारी ऑयल हीट हो चुकी है। अब इसमें हम राई डालेंगे और 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे और साथ ही साथ इसमें हम हींग डाल देंगे और इन सब चीज़ों को हम थोड़ा पका लेंगे। और ये देखिए हमारी पक चुकी है। अब इसमें हम करी पत्ते डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। मैंने 30 सेकेंड सॉटे कर ली है करी पत्ते के साथ। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेते हैं। हमें इसे हल्का फ्राई करना है। ये देखिए मैंने फ्राई कर ली है, मैंने 2 मिनट फ्राई की है और कुछ इस तरह की हमारी हुई है लाइट पिंक। अब इसमें हम सारी सब्ज़ी डाल देंगे, हमारी ड्रम स्टिक, बैगन, भिंडी और ये रही कद्दू। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं मिक्स करके। यहाँ पे हम हल्की सी सब्ज़ी को फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। ये देखिए हमारी सब्ज़ी हल्की फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर और टमाटर के साथ हम सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। हमें टमाटर सॉफ्ट होने तक पकानी है। हमें तीन से चार मिनट लग जाएगी पकाने में इसे, ताकि हमारी टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए अच्छे से। मैंने फ्लेम लो टू मीडियम रखा है। ये देखिए हमारी जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो गई है और हमारी टमाटर अच्छे से पक भी चुकी है। अब इसमें हम इमली का पानी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। साथ ही साथ इसमें हम 1/2 कप पानी डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर दिए। अब हम इसके लिड को कवर कर देंगे और इसे हमें सब्ज़ी थोड़ी सॉफ्ट करने तक थोड़ा सा पका लेते हैं। ये देखिए हमारी सब्ज़ी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसकी लिड खोल कर दिखाते हैं। मैंने 10 मिनट तक सब्ज़ी को पकाई है इमली के पानी में। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर और मिर्चा पाउडर और साथ ही साथ नमक। नमक ध्यान से डालें ताकि, क्योंकि दाल में भी हमारी नमक है। अब इन सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इन मसालों के साथ हम थोड़ा भून लेते हैं। ये देखिए मैंने मसालों के साथ सब्जियों को मिक्स कर ली है और हमारी जो मसाले हैं वो भी अच्छे से तेल में पक चुकी है। ये देखिए इसकी कलर बहुत चेंज हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे होममेड सांभर मसाला पाउडर। अगर आपके पास होममेड आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप मार्केट में जो अवेलेबल है आप वो भी डाल सकते हैं सांभर मसाला पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को हम एक बार मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये देखिए मैंने सांभर मसाला पाउडर भी अच्छे से मिक्स कर दिए सब्ज़ी में। अब हम दाल डालेंगे। ये देखिए दाल हमारी कितनी गाढ़ी है। अब इसमें हम डाल देते हैं
अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए हमारी दाल बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, तो हमें इसकी कंसिस्टेंसी देखकर इसमें हमें वाटर डालनी है। जितनी हमारी सांभर की कंसिस्टेंसी होती है उतनी ही हमें वाटर डालनी है। जितनी हमें ज़रूरत हो हमें उतनी ही वाटर डालेंगे। धीरे धीरे हम वाटर डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे, फिर अगर हमें ज़रूरत होगी तो फिर हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए मैंने सांभर में और 2 ग्लास वाटर डाली है और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको नमक फीका लगे तो आप टेस्ट करके थोड़ा और डाल सकती हैं। मेरी सांभर बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसके लिड कवर कर देते हैं और इसे हम 10 मिनट तक पकाते हैं ताकि जो हमारी सांभर की मसाले हैं वो सांभर में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए हमारी 10 मिनट हो चुकी है, अब हम इसके लिड खोल कर देखते हैं। और ये देखिए हमारी सांभर जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे हम थोड़ी ठंडे होने देते हैं, उसके बाद हम इसे सर्व करते हैं। ये देखिए हमारी ठंडी हो चुकी है, मैंने ज़्यादा ठंडी नहीं की, बस 1 मिनट तक मैंने इसे थोड़ी ठंडी की। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए मैंने सर्व कर दी है। ये देखिए हमारी मज़ेदार सी सांभर बिल्कुल रेडी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।